हेलो एवरीवन, वेलकम टू यात्रा बॉक्स। और आज हम जा रहे हैं रमुआ डैम, जो कि है ग्वालियर मध्य प्रदेश से 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप रमुआ डैम पर अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं और कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, और पार्क करने के बाद वहाँ पर आपको 2 से 3 स्टेयरकेसेस का अलग से एक प्लेटफॉर्म दिखेगा, जिस पर जाकर आप वहाँ बैठ सकते हैं एंड आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी, चाय या फिर खाना बनाकर भी ले जा सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू डू अ पिकनिक, तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टू डू देयर। आप जाकर वहाँ पर अपना खाना बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग घर से ही पिकनिक के लिए तैयार होकर आए थे। हम लोग कॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे एंड बिस्किट साथ में लेकर आए थे, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम वहाँ किसी स्पॉट पे जाकर बैठ के सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो एज़ एक्सपेक्टेड हम लोग वहाँ पहुँचे, तो उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कुछ फैमिलीज थे जो एंजॉय कर रहे थे। तो हमने कुछ 5 मिनट वेट करने के बाद वो लोग चले गए, और हम लोग सेम उसी जगह पे जाके बैठ के हम लोगों ने हमारी सारी चीज़ें वहाँ एंजॉय की, और 5 to 10 मिनट्स हमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। और जो व्यू था, जो पानी वहाँ दिख रहा था, जो वहाँ से हमें हिल, जो पूरी व्यू थी वैली की, दैट वाज वेरी वेरी नाइस। और बिलीव मी, आपको वहाँ काफ़ी रिलैक्स फील होगा इफ़ इन केस यू आर प्लानिंग टू गो नियर टू ग्वालियर। हम लोगों ने नियरली वहाँ पे 1/2 आवर स्पेंड किया। एज़ आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ वेरी नियर प्लेस इन ग्वालियर, तो आप आसानी से कार से, बाइक से, स्कूटी से कैसे भी वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, और 1 घंटा, आधा घंटा आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई व्लॉग अबाउट न्यू एक्सप्लोर्ड प्लेस नियर ग्वालियर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और आपको ऐसे ही कुछ नई और इंटरेस्टिंग और वीडियो अनबॉक्सिंग देखनी है, तो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच ऑल माई वीडियोज़ एवरी टाइम।